नमस्कार दोस्तों, पासी समाज की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो हमारे समाज के एक महान क्रांतिकारी किसान नेता यानी मदारी पासी जी के लिए है। हमारे समाज के राजा महाराजा क्रांतिकारी वीरों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। उनकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने माना है, जिन्होंने मदारी पासी जी की ताकत का लोहा माना। मदारी पासी जी के गढ़ हरदोई से खूंखार भरी। दोस्तों ये वीडियो यूपी चुनाव 2022 को लेकर है, जो कि मदारी पासी जी के गढ़ यानी हरदोई का वीडियो है। तो दोस्तों सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जिसमें गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मदारी पासी जी के ताकत का लोहा माना है, उनके काम को सराहा है। तो दोस्तों चलिए पहले अमित शाह का वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ अपने समाज को लेकर। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने पासी समाज की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि पासी समाज की आने वाली कोई भी वीडियो आप देख पाओ सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मदारी पासी की भूमि के हरदोई की आवाज। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, भारत माता की, भारत माता की। आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, ये भूमि स्वतंत्र से सेनानी मदारी पासी और देवू पासी की भूमि है। ये भूमि को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं आज सभी हरदोई वासियों को पूछना चाहता हूं, सपा बसपा के राज में कभी सभी समाजों का विकास होता था क्या? दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने श्री मदारी पासी जी का लोहा माना, उनका गुणगान किया। ये तो सब जानते हैं कि ये सब चुनावी दिखावा है, चुनावी ढकोसले, और सिर्फ वोट के लिए ही पासी समाज के राजा महाराजा क्रांतिकारी वीरों को याद किया जाता है। लेकिन दोस्तों गौर करने की बात ये है कि आज पूरा देश देख रहा है, हमारे समाज के राजा महाराजा और क्रांतिकारी के बारे में जान रहा है, उनके द्वारा किए गए बलिदान को सलाम कर रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी एकता, हम सभी का प्रयास, जिसने एक बार फिर से हमारे राजा महाराजा क्रांतिकारी के बलिदानों को लोगों के सामने लाया है। हम सभी के अथक प्रयास और एकता ने ही आज हमारे समाज और हमारे समाज के दबे हुए इतिहास को फिर से जिंदा करने का काम किया है। दोस्तों सोशल मीडिया में बहुत पावर होती है, और सोशल मीडिया ही है जिसके माध्यम से मैं और आप एक दूसरे से जुड़ सके हैं, अपने समाज के इतिहास को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। दोस्तों वो सोशल मीडिया ही है जिसने रातों रात लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया है। हम लोगों का इतिहास अगर फिर से सबके सामने आ पा रहा है तो इसका सबसे मेन रीजन सोशल मीडिया और हमारी एकता ही है। सोशल मीडिया ही है जिसने अपने समाज की इतिहास को वीडियो के माध्यम से शेयर किया, सभी को अपने इतिहास से अवगत कराया। हम सभी को अपनी ये एकता बनाए रखनी है। आइए हम सभी प्रण लें कि अपने समाज में एकता बनाए रखेंगे, हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। हमारी एकता की भावना ही हमारे इतिहास को खत्म होने से बचा सकती है, हमारे दबे हुए इतिहास को फिर से वापस जिंदा कर सकती है, उसको सामने ला सकती है। दोस्तों ये लोग तो सिर्फ चुनावी कीड़े हैं, आते और जाते रहेंगे, लेकिन हमें अब साथ मिलकर समाज की बुराइयों को दूर करना है, अपने समाज के इतिहास की हमें रक्षा करनी है। दोस्तों जो इंसान अपने समाज के इतिहास को चार लोगों के सामने बोलने में कतराता है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आज भारत में हर कोई अपने समाज जाति विशेष को महत्व दे रहा है, तो हम क्यों नहीं? हम सबको आगे आना है, और आज कसम खानी है कि हम अपने वीरों के इतिहास को खत्म नहीं होने देंगे, उनके बलिदान को जाया नहीं होने देंगे। जिसने हमारे भारत माता की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए बलिदान दिया, उनके बलिदान के प्रयासों को अभी जाति और व्यक्ति विशेष तक पहुंचाएंगे और पहुंचाने का काम करेंगे। दोस्तों वीडियो को सभी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, और हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। आप अपने राजा महाराजा के इतिहास की रक्षा करेंगे, आप मेरा साथ देंगे, या आप मेरे साथ मिलकर अपने समाज को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय पासी समाज।